गुड मॉर्निंग आज इस वीडियो लेक्चर में इमी थ्री जीरो सिक्स सब्जेक्ट से यूनिट टू का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वर्टिकल बोरिंग मशीन के बारे में जानेंगे इन वर्टिकल बोरिंग मशीन वर्क पीस रोटेट्स ऑन अ हॉरिजोंटल टेबल अबाउट अ वर्टिकल एक्सेस and the tool is stationary except for feed. तो जो horizontal table होती है उसके ऊपर जो work mount है वो rotate करता है about vertical axis और tools स्थिर अवस्था में रहता है except for feed. मतलब tool जब ही rotate करेगा जब उसे feed दी जाएगी वर्टिकल बोरिंग मशीन इज एम्प्लॉयड फॉर लार्ज हैवी एंड कम्बरसम वर्क पीसेस एग्जाम्पल लार्ज गियर ब्लैंक्स फ्लाई व्हील्स हैवी फ्लैंज एंड नंबर ऑफ सर्क्यूलर पार्ट्स दिस मशीन इज यूज वेन लेंथ ऑफ द वर्क पीसेज लेस देन इट्स डाया मीटर जब वर्क पीस की लेंथ उसके डाया मीटर से कम है तब ये मशीन यूज़ में ली जाती है नउ पार्ट्स ऑफ वर्टिकल बोरिंग मशीन इस मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं दीज आर बेड टेबल हाउजिंग क्रॉस रेल टूल हेड असेम्बली इस स्लाइड में वर्टिकल बोरिंग मशीन का डाइग्राम दिखाया गया है तो जो पार्ट्स अभी हमने देखे दीज आर बेड वर्टिकल बोरिंग मशीन में बेड सर्कुलर कास्टिंग होता है बेड के ऊपर टेबल माउंट है एंड टेबल के ऊपर वर्क पीस माउंट किया जाता है जो वर्टिकल एक्सेस के अबाउट रोटेट करता है नाउ दिस इज हाउसिंग हाउसिंग इज वर्टिकल मेंबर ऑफ द मशीन जो हाउसिंग है वो क्रॉस रेल से जुड़े रहते हैं और इस क्रॉस रेल के ऊपर वर्टिकल स्लाइड माउंट होता है ये वर्टिकल स्लाइड क्रॉस रेल के ऊपर ऐसे रेसिप्रोकेटरी मोशन कर सकता है मतलब इसको वर्टिकल स्लाइड को क्रॉस रेल के ऊपर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है नाउ दिस वन इज साइड टूल हेड जिसमें टूल को साइड टूल को होल्ड किया जाता है सो दीज आर द डिफरेंट पार्टस ऑफ मशीन इस स्लाइड में मशीन का आपको थ्री डी व्यू दिखाया गया है ना कंस्ट्रक्शन बेड बेड इज हॉलो सर्क्यूलर कास्टिंग जो कि ग्राउटेड होती है फ्लोर पर एंड जो बेड है उसका टॉप पार्ट इज फिनिश्ड टू प्रोवाइड बियरिंग सरफेस फॉर द टेबल 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 बेड के ऊपर माउंट होती है और इट में रोटेटेड द हॉरिजोंटल सर्फेस ऑफ द टेबल इज़ फिनिश्ड टेबल का जो हॉरिजोंटल सर्फेस है उसे फिनिश्ड किया जाता है एंड टेबल इज़ प्रोवाइडेड विथ टी स्लॉट्स और चक जॉज जिससे वर्क पीस को उस पर क्लैम्प और होल्ड किया जा सके थर्ड इज़ हाउसिंग हाउसिंग दो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जो बेड के दो साइड्स में लगे होते हैं ये हाउसिंग एक दूसरे से जॉइंड होते हैं एट द टॉप बाय अ क्रॉस मेंबर और इसी क्रॉस मेंबर को क्रॉस रेल कहते हैं हाउसिंग का जो फ्रंट वर्टिकल फेस है उस पर गाइडवेज बने होते हैं ऑन विच क्रॉस रेल स्लाइड्स मीन्स ये जो हॉरिज ये जो हाउसिंग है उसका जो ये फ्रंट वर्टिकल फेस है इसपे गाइडवेज होते हैं जिसपे इस क्रॉस रेल को वी कैन स्लाइड लाइक दिस नेक्स्ट इज क्रॉस रेल क्रॉस रेल इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द रेक्टेंगुलर कास्टिंग माउंटेड ऑन द हाउसिंग ये हॉरिजोंटल मेंबर है जो हाउसिंग के ऊपर माउंट होता है एंड क्रॉस रेल को अप एंड डाउन मूवमेंट करा सकते हैं ऑन हाउसिंग सो डैट वर्क पीस की जो डिफरेंट लेंस हैं उनके अकॉर्डिंग टूल को एडजस्ट किया जा सके अब जो क्रॉस रेल क्रॉस रेल का जो वर्टिकल फ्रंट फेस है वो भी एक्यूरेटली फिनिश्ड होता है किस लिए फॉर होल्डिंग एंड स्लाइडिंग सैडल ऑफ टूल हेड जो टूल हेड है उसके सैडल को होल्ड और स्लाइड करने के लिए तो फिफ्थ पार्ट इज टूल हेड असेंबली टूल हेड असेंबली में सैडल रैम एंड टूल पोस्ट होते हैं जो सैडल है वो तो क्रॉस रेल के ऊपर माउंट होता है और सैडल को स्लाइड कराया जा सकता है टू जनरेट फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय द टूल मीन सपोज दिस इज क्रॉस रेल और ये इस पर सैडल लगा हुआ है तो सैडल को क्रॉस रेल के ऊपर इस तरीके से हम स्लाइड कर सकते हैं जिससे हॉरिजॉन्टल सरफेस जेनरेट हो नेक्स्ट जो रैम है वो रैम के अंदर टूल पोस्ट होता है और रैम को सैडल में अप एंड डाउन स्लाइड कर सकते हैं टेबल के परपेंडिकुलर टू जेनरेट सिलेंड्रिकल सरफेस और अगर उसे हम किसी एंगल पर स्लाइड कराएंगे तो जेनरेट होगा टेपर सो दिस वॉज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन अबाउट वेरियस पार्ट्स नाउ ये वाली स्लाइड जो है ये स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन को बता रही है जिसमें वेरियस पार्ट्स दिखाए गए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए नाउ एप्लीकेशंस ऑफ वर्टिकल बोरिंग मशीन सो दिस मशीन इज यूज्ड टू मशीन इनसाइड एंड आउटसाइड डाया It can be used for machining large surfaces, yeah, sorry large size workpieces, and it is used in machining of steam turbine casting, pressure vessels, gear blanks, tables for machine tools, etc. Is machine advantages? These are It carries multiple tools, so increase rate of production. इस मशीन में एक से ज़्यादा टूल लगाए जा सकते हैं तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है डाट इंक्रीजेस और इट कैन हैंडल लार्ज डायामीटर वर्कपीसेस वर्क जो कि इंजन लेथ के ऊपर हैंडल करना इज़ नॉट पॉसिबल जिन्हें द डायामीटर ऑफ टेबल मे बी डिज़ाइन एज लार्जस्ट पॉसिबल तो जो टेबल है वर्किंग टेबल उसके डाया को एज़ लार्जस्ट पॉसिबल डिज़ाइन कर सकते हैं सो दीज आर द एडवांटेजेस और जो वर्टिकल बोरिंग मशीन है जिस जो अभी हमने डिस्कस की थी वो स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन थी नेक्स्ट इज टाइप बोरिंग मशीन जो टरट टाइप बोरिंग मशीन है उसका डायग्राम आपको इस स्लाइड में दिखाया हुआ है एंड इट रिजेंबल्स अ लेथ इस मशीन में एक इंडेक्सेबल ट माउंट होता है अपॉन द क्रॉस रेल अबव द टेबल फॉर मल्टीपल टूलिंग ये देखिए दिस इज हेड जो क्रॉस रेल पे माउंट है एंड फॉर मल्टीपल टूलिंग मीन्स ये टरेट अगर पेंटागन शेप का है तो एक साथ इस पर पाँच टूल्स को होल्ड किया जा सकता है अ फोर स्टेशन स्क्वेर टरेट साइड हेड विच एनेबल्स फेसिंग टर्निंग अंडर कटिंग एंड मैनी अदर ऑपरेशन इज माउंटेड एट द साइड ऑफ द लेथ सो फॉर दीज टर्निंग फेसिंग अंडर कटिंग ऑपरेशन फोर स्क्वेयर फोर स्टेशन स्क्वेर टरेट साइड में माउंट किया जा सकता है एक दूसरा रैम हेड भी माउंट होता है जिसके ऊपर सिंगल टूल टूल को होल्ड किया जाता है सो एंड एंड द अदर पार्ट आर द सेम अब ये वाली जो मशीन है इट इज सुटेबल फॉर बोरिंग टर्निंग रेल रोड व्हील्स piston rings gear blanks etc so this was about vertical boring machine thank you